नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज। आज सेकंड ईयर की क्लास में पुनः आपको सामाजिक अनुसंधान पद्धतियों का पाठ अवलोकन पढ़ाने के लिए खड़ी हूँ, पढ़ाना चाहती हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन। अवलोकन नाम से हम सभी परिचित हैं, ऑब्जर्वेशन नाम से भी हम सभी परिचित हैं। कहा जाता है कि विज्ञान का प्रारंभ अवलोकन से होता है, उसका विकास एवं विस्तार भी अवलोकन से होता है और समापन भी अवलोकन से होता है। तो इस बात से ये मानता है कि अवलोकन कितना इम्पॉर्टेंट है। किसी भी अनुसंधान के लिए अवलोकन बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देखकर ही, अवलोकन का अर्थ है देखना, और देखकर ही हम किसी चीज़ को समझ सकते हैं अच्छी तरह। लेकिन अवलोकन में देखने के साथ साथ एक निश्चित बिंदु के आधार पर देखना, कुछ निश्चित तथ्यों के आधार पर देखना अवलोकन कहलाता है। इसकी कुछ डेफिनेशंस हमने ली है, तो इसमें पहली है श्रीमती पीवी यंग के अनुसार, अवलोकन स्वतः विकसित घटनाओं का उनके घटित होने के समय ही अपने नेत्रों के द्वारा व्यवस्थित एवं जानबूझकर किया गया अध्ययन है। अर्थात अवलोकन घटना घटित होने के समय ही देखा जाएगा, और अपनी आँखों से, जब हम अपनी आँखों से किसी घटना को घटित होते हुए देखते हैं और किसी उद्देश्य के द्वारा, तो वह कहलाता है अवलोकन। सीएम ओजर ने भी कहा है, सही अर्थों में कानों तथा वाणी की अपेक्षा आँखों का प्रयोग ही अवलोकन कहलाता है। अर्थात हम आँखों से जब किसी चीज़ को देखते हैं तो वह अवलोकन कहलाता है। तो इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि अवलोकन प्राथमिक सामग्री संकलित करने की एक प्रत्यक्ष एवं महत्वपूर्ण प्रविधि है। प्राथमिक सामग्री इसलिए कि हम घटना को घटित होते हुए देख रहे हैं। इसमें अनुसंधानकर्ता नेत्रों द्वारा नवीन अथवा प्राथमिक तथ्यों का विचार पूर्वक संकलन करता है। अर्थात जो उसके अनुसंधान संबंधित है उसी को व्यक्ति अपनी अवलोकन में लाता है, अपनी चीज़ों को देखता है। तो जो ये परिभाषाएं हैं उनसे कुछ विशेषताएं भी हमें समझ आ रही हैं ऑब्जर्वेशन की। इनमें कुछ निम्न विशेषताएं हैं जो अवलोकन को महत्वपूर्ण बनाती हैं, और पहली विशेषता है मानव इंद्रियों का प्रयोग। अवलोकन विधि में मानव इंद्रियों का पूर्ण एवं व्यवस्थित प्रयोग किया जाता है। क्योंकि अवलोकन आँखों द्वारा किया जाता है, तो आँखें एक इंद्री है, और इस इंद्री के प्रयोग द्वारा ही हम अनुसंधान में अवलोकन को कर सकते हैं। इसमें अवलोकनकर्ता कान और वाणी का भी प्रयोग करता है, पर नेत्रों का विशेष रूप से प्रयोग करता है। मतलब वो सुनता भी है, देखता भी है, बोलता भी है। तो तीन इंद्रियों का प्रयोग में सबसे ज़्यादा आँखों के प्रयोग द्वारा हम घटनाओं का निरीक्षण करते हैं। नेक्स्ट विशेषता है प्रत्यक्ष पद्धति। इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता सामग्री स्रोत से सीधे ही प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करके तथा मानव व्यवहार को समझने की कोशिश करता है। अर्थात जो घटना घटित हो रही है उससे प्रत्यक्ष रूप से अनुसंधानकर्ता रूबरू होता है। नेक्स्ट विशेषता है प्राथमिक स्तर। अवलोकन में अवलोकनकर्ता के अधीन उन सभी तथ्यों तथा घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जिन्हें अवलोकनकर्ता स्वयं उपस्थित होकर प्राथमिक स्तर पर एकत्रित करता है। अर्थात स्वयं अवलोकनकर्ता उस स्थान पर जाके अपनी अनुसंधान से संबंधित सूचनाओं को कलेक्ट करता है। अतः ये प्राथमिक एवं विश्वसनीय होती है। अगली विशेषता है सूक्ष्म, गहन एवं उद्देश्यपूर्ण अध्ययन। इस विधि में अवलोकनकर्ता स्वयं घटना स्थल पर उपस्थित होता है, घटना उसके सामने ही घटित होती है। वह उद्देश्य की पूर्व जानकारी के अनुकूल ही अवलोकन पद्धति द्वारा गहन अध्ययन करने में घटना की प्रकृति को समझता है, उसकी गंभीरता को समझता है, और उसके विस्तार को समझ के उसके परस्पर संबंधों का सूक्ष्म अध्ययन करता है। अवलोकन में प्राथमिक स्तर पर प्रत्यक्ष अध्ययन किया जाता है। प्रयोगपूर्ण अध्ययन, इसकी नेक्स्ट विशेषता है प्रयोगपूर्ण अध्ययन। मोजर ने अवलोकन को अनुभव या प्रयोग पर आधारित अध्ययन कहा है।
अर्थात हम घटना को घटित होते हुए देखते हैं, हमारे सामने प्रयोग होता है, उस प्रयोग को हम स्वयं देखते हैं, अनुसंधानकर्ता स्वयं देखता है। कार्य कारण संबंध का पता लगाना, इस विधि में अनुसंधानकर्ता स्वयं घटना को देखकर उसके कारणों और परिणामों की खोज करता है, जिनके आधार पर सिद्धांत निर्माण की ओर बढ़ता है, वास्तविकता का पता लगाता है, वह देखता है कि किन कारणों से घटना घटित हुई और इसका परिणाम क्या निकला। इसकी नेक्स्ट विशेषता है व्यावहारिक एवं अनुभवाश्रित अध्ययन। सी.ए. मोजर का कहना है, अवलोकन प्रयोगात्मक एवं अनुभवाश्रित अध्ययन पद्धति है। इसमें सामूहिक एवं विशेष दोनों ही प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। इसके द्वारा किया जाने वाला अध्ययन अनुभवों पर आधारित होता है, अर्थात घटना का जो घटना घटित हो रही है वह हमारे देखने के दृष्टिकोण पे आधारित होती है। हम अपने अनुभव से घटना को देखते हैं और यह एक कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। और एक विशेषता है विचार पूर्वक किया जाने वाला अध्ययन। अवलोकन हमेशा एक निश्चित विचार, निश्चित उद्देश्य को लेकर किया जाता है, तो अनुसंधान में अवलोकन विचार पूर्वक किया जाने वाला अध्ययन है, जो कि अवलोकन को महत्वपूर्ण बनाता है। अवलोकन सोच समझकर विशेष उद्देश्य से किसी घटना को देखना और अनुसंधानकर्ता द्वारा निष्पक्ष होकर किसी निर्णय पर पहुंचना अवलोकन कहलाता है, और इसमें ये सारी विशेषताएं पाई जाती। अब चूंकि अवलोकन बहुत महत्वपूर्ण है और अनुसंधान के लिए बहुत आवश्यक है, एक बात मैंने प्रारंभ में भी बताई थी कि अनुसंधान अवलोकन से प्रारंभ होकर अवलोकन पर ही समाप्त हो जाता है। अवलोकन एक बहुत महत्वपूर्ण अवलोकन। सी.ए. मोजर ने भी कहा है, सही अर्थों में कानों तथा वाणी की अपेक्षा आँखों का प्रयोग ही अवलोकन कहलाता है। अर्थात हम आँखों से जब किसी चीज़ को देखते हैं तो वह अवलोकन कहलाता है। तो इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि अवलोकन प्राथमिक सामग्री संकलित करने की एक प्रत्यक्ष एवं महत्वपूर्ण प्रविधि है। प्राथमिक सामग्री इसलिए कि हम घटना को घटित होते हुए देख रहे हैं। इसमें अनुसंधानकर्ता नेत्रों द्वारा नवीन अथवा प्राथमिक तथ्यों का विचार पूर्वक संकलन करता है, अर्थात जो उसके अनुसंधान
इसकी अगली विशेषता है वस्तुनिष्ठता। जब तथ्य विश्वसनीय है, स्वयं अनुसंधानकर्ता ने घटना को घटित होते हुए देखा है, तो इनमें वस्तुनिष्ठता भी पाई जाती है। अध्ययनकर्ता व्यक्तियों से प्रश्न नहीं पूछता है, बल्कि स्वयं चीजों को देखता है। अगली विशेषता है, अगला गुण है सत्यापनशीलता। कुछ घटनाओं को पुनः अवलोकन कर सत्यता की जांच की जा सकती है। पुनः अवलोकन से तथ्यों की सत्यता और वास्तविकता का पता लगाना संभव हो सकता है, उसकी जांच करना आसान हो सकता है। अगला गुण है, नेक्स्ट है, प्राकल्पना में सहायक। अवलोकन से नवीन प्राकल्पनाओं की रचना करने और उनके परीक्षण में सहायता मिलती है। श्रीमती यंग ने भी कहा है, जब हमारे नेत्र किसी अध्ययन के दृष्टिकोण तथा प्राकल्पनाओं के प्रारंभिक निर्माण हेतु प्रयोग किए जाते हैं, देखना अत्यधिक अर्थपूर्ण होता है। हम विशेष श्रेणियों को देखकर अपनी प्राकल्पनाओं की जांच करते हैं और नवीन प्राकल्पनाओं का भी निर्माण करते हैं। अधिक संतोषजनक, इस पद्धति को लगभग सभी प्रकार के विज्ञानों में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह एक अधिक संतोषप्रद विधि है और इसका प्रयोग सभी विज्ञानों में किया जाता है। नेक्स्ट विशेषता, नेक्स्ट गुण है सूचनादाताओं की स्मरण शक्ति से स्वतंत्र। अवलोकन सूचनादाताओं की स्मरण शक्ति पर आधारित नहीं होता, क्योंकि घटना सामने घट रही है, तो हमें यह आवश्यक नहीं है कि सूचनादाता चीज़ों को याद रखे और हमें बताए, बल्कि हम स्वयं ही चीज़ों से रूबरू हो रहे हैं। नेक्स्ट गुण है घटनाओं का गहन अध्ययन संभव। इस विधि के द्वारा जटिल घटनाओं को भी गहराई से समझा जा सकता है। पीवी यंग ने लिखा है, किसी भी समूह की भावनाओं, विचारों तथा क्रियाओं के पीछे छुपे हुए अर्थ को ढूंढना संभव है। यह विधि सामाजिक परिवेश अर्थात समूह तथा उसके सदस्यों के मध्य पाए जाने वाले संबंधों को समझने और उसका अर्थ जानने में सहायता प्रदान करती है। तो अवलोकन घटनाओं के गहन अध्ययन से जुड़ा हुआ है, इसमें वस्तुनिष्ठता पाई जाती है, इसमें विश्वसनीयता पाई जाती है और यह संतोषजनक विधि है। इस प्रकार अवलोकन में कई महत्वपूर्ण पाए जाते हैं, पर चूंकि गुण के साथ साथ हर चीज़ में कुछ कमियां होती हैं और हम अब स्टडी करेंगे अवलोकन के दोष, इसमें कुछ कमियां क्या है। कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं और एक विशेषता है विचार पूर्वक किया जाने वाला अध्ययन। अवलोकन हमेशा एक निश्चित विचार, निश्चित उद्देश्य को लेकर किया जाता है, तो अनुसंधान में अवलोकन विचार पूर्वक किया जाने वाला अध्ययन है, जो कि अवलोकन को महत्वपूर्ण बनाता है। अवलोकन सोच समझकर विशेष उद्देश्य से किसी घटना को देखना और अनुसंधानकर्ता द्वारा निष्पक्ष होकर किसी निर्णय पर पहुंचना अवलोकन कहलाता है और इसमें ये सारी विशेषताएँ पाई जाती।
उल्टा आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। अतः अवलोकन तथ्य संकलन की बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, जिस पर हम पूरा भरोसा कर सकते हैं, पूरा विश्वास कर सकते हैं, और अभी आधुनिक समय में इसका बहुत प्रयोग किया जाता है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी रिसर्च वाले इस चैप्टर को, रिसर्च वाली इस बुक को बहुत ध्यान से स्टडी करें और बहुत अच्छे रिजल्ट लाएं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।